गैंग लीडर कल्पेश अनिल पांगेकर और नमन शाहनी ये दोनों स्नातक की उपाधि ले चुके हैं और उसके बाद उन्होंने इस कोरोना काल में एक नवीन जुगत भड़ाई। इस जुगत के अंतर्गत उन्होंने एक योजना बनाई जिसमें उन्होंने अपना एक गैंग तैयार किया और इस गैंग में उन्होंने लिया सनी भाऊ साहब कांबड़े को, संदीप ज्ञानेश्वर गुंजाल को, रोनित मधुकर कदम को और साथ में लिया हितेश ईश्वर चांडालिया को। इन छह लोगों की गैंग के द्वारा लोगों को लुभावन प्रस्ताव दिए जाते थे जिनके पास महंगी गाड़ियां हैं लेकिन उन्हें इस कोरोना काल में पैसे की जरूरत होती थी। इनमें कुछ टैक्सी गाड़ियां थी, परमिट गाड़ियां थी जो जिन्हें टूरिस्ट परमिट थे, और दूसरी ऐसी गाड़ियां थी जो निजी थी लेकिन ज़रूरत के वक्त व्यक्ति अपनी वस्तुओं को, अपनी चीज़ों को किराए पर देने के लिए बाध्य हो जाता है। और इसी का फायदा उठाते हुए इन लोगों ने उनसे एग्रीमेंट किए। एग्रीमेंट के बाद उन्होंने टोकन एडवांस लेकर के लोगों को ये गाड़ियां बेचनी शुरू कर दी। जब इनके ओनर्स को, इनके मालिकों को इनकी गाड़ियाँ किराया नहीं मिल रहा था तो ये एक एक करके उसकी शोध में निकल पड़े, लेकिन इस शोध मुहिम में उनको कुछ नहीं मिला, उन्हें लौटना पड़ता था खाली हाथ। और इसी क्रम में, और जब कभी मिल जाते थे तो उन्हें पूरी गैंग मिलकर इनकी पिटाई करती थी, इनको दहशत निर्माण करती थी, गंदी गंदी गालियां देते थे और उनको कहते थे कि हमने तुम्हारी गाड़ियां बेच दी है, जा जो करना है कर, कुछ हो सकेगा तो हम दे देंगे और नहीं तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। इन लोगों में से बहुत सारे लोग छोटे टेक्निकल प्रॉब्लम्स के कारण और कुछ लोगों को कि कुछ तो मिले इस क्रम में वो दहशत में थे, डर में थे और इसीलिए वो कंप्लेन, अपराध जो है वो दर्ज नहीं करवा पा रहे थे। पर इनमें से एक फरियादी हिम्मत से काम लिया और उसने, सुनील नामदेव राख पसरे ने, अपना कंप्लेन रजिस्टर किया और उसकी इर्टिगा गाड़ी के क्रम में जब किंग पिन कल्पेश अनिल पांगेकर को उसके जो दामाद है उसके घर से महालुंगे से अरेस्ट किया गया और दूसरे को उसके दोस्त के घर से विमान नगर से अरेस्ट किया गया नमन साहनी को, तो उसके बाद पूरे गैंग का पर्दाफाश हुआ और इस गैंग से 16 कार बरामद किए गए और इस सभी कार में वो लगभग आधे टोकन अमाउंट लेकर दूसरों को दे चुके थे। इसकी कीमत 1,20,20,000 रुपया है। एसीपी सागर कौड़े, पीआई काटे, डीसीपी मंचके पर और अपर पुलिस आयुक्त रामनाथ पोकड़े के सतत नेतृत्व और मार्गदर्शन में ये कार्य अंजाम दिया गया। पूरी गैंग का पर्दाफाश हो गया है। कंप्लेनेंट्स जिनके खिलाफ ये क्राइम्स हुए हैं वो अब आगे बढ़कर हिम्मत करके इसकी दहशत को धता बताकर अब कंप्लेन देने के लिए आ रहे हैं और इस गैंग को अब हमारी टीम ने पूरी तरह से अपने शिकंजे में कस लिया है।